मिलता इन लोगों को फालतू काम करने के लिए? और तो सब मर गए, यहाँ चला जा वहाँ चला जा, किस्मत का मारा हूँ मैं। आया था यहाँ हीरो बनने और लगा दिया असिस्टेंट ने। सरप्राइज फ्लॉप हो जाता। अरे वारे दीवानी, तेरी गाड़ी तो रिवर्स गियर में चल रही है। हाँ क्या रिवर्स मतलब? दुनिया में लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सरप्राइज देते हैं, और तुम हो कि ध्रुव को इम्प्रेस करने के लिए सरप्राइज दे रही हो। वाह पागल, ऐसे थोड़ी ना होता है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा लड़का ही सारी प्लानिंग करे लड़की को सरप्राइज देने के लिए। तुम जैसी फियांसे होनी चाहिए। और अच्छी बात है ना कि अमित भी नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ बताएगी? अरे यार यहाँ पर एक छोटी सी राउंड टेबल भी नहीं है। टेबल? पर वो किस लिए? राउंड टेबल होता तो मैं उस पे केक रखती, कैंडल रखती, तो प्यार करने वाले दिल और कैंडल लाइट डिनर। यहाँ पे कोई राउंड टेबल है क्या? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कहाँ है। चल ना तो पता करते हैं। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? एक मिनट मैं लाइट चलाती हूँ। हाँ आती थी आचल, आचल, आचल कहाँ गई? आचल, 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 लौट, आचल, खून आचल, आचल, प्लीज उठ, आचल, आचल, प्लीज उठ,
चलो उठा, मेरा सर, मेरा सर दर्द से भरना जा रहा है, उठ चलो। ये हम कहाँ आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये निशान, इसमें से तो खून भी निकल रहा है। खून? लेकिन ऐसे निशान तेरे गले पर भी है और खून भी निकल रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे लगता है वो वैम्पायर ना, जो हमने देखे थे, मैं देखे थे, उन्होंने किया होगा। वो लड़की में तेरे बैग में, याद है तुझे? वैम्पायर कुछ नहीं होते, ठीक है, बकवास मत कर। लेकिन आचल ध्रुव कहाँ है? मुझे लगता है ध्रुव ने ये सब कुछ किया, नहीं तो वो दो बैग में कैसे उसके रूम में लटक सकते थे? मतलब ध्रुव भी उन वैम्पायर में से थे? हाँ चला। अरे ये ध्रुव बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा हुआ तुम आ गए, आओ अंदर आओ। शिखा देख बेटा कौन आया है। आओ बेटा अंदर आओ। शिखा, तुम ध्रुव को सरप्राइज देना चाहती थी और ध्रुव ने तुम्हें सरप्राइज दे दिया। अब संभालो अपने मंगेतर को। जो बेटा तुम बैठो, हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है। हाँ ओके, बाय बेटा, बाय ध्रुव। हाय, हाय। अरे आवाज को क्या हो गया, कैसे बैठ गई? वो एक्चुअली काफी देर से बैठा हुआ था ना, शायद गला भी बैठ गया। अब आप आ गई है ना तो गला भी ठीक हो जाएगा। देखिए। रियली? What's a surprise? मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये भी खूबी है। वाह कितने प्यारे फूल हैं। गुलाब के फूल को कहाँ पता होता है उसमें कितनी खुशबू है। वो तो कुदरत का सरप्राइज है। और ये मेरा सरप्राइज है। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। ये मजाक नहीं है, ये बुके है, फूलों से भरा हुआ बुके। मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। ये बुके है? बिना फूलों का बुके कम है। अगली बार
और भर दूंगा। अच्छा तो तुम वैलेंटाइंस डे को अप्रैल फूल से बना रहे हो? हाँ, सारे फूल खुद रख के मुझे काटे दे रहे हो? फूल का पता नहीं ये यहाँ पे गिरा, किसने किया, किसने किया ये? बीसी पिसा का फोन? हेलो एसी पिसा, गुड मॉर्निंग। अभी जी नहीं, मेरे साथ तो नहीं है क्या? फोन बंद आ रहा है उसका? हाँ सर, अब मैं अभी उन्हें लोकेट करती हूँ और बताती हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। फोन बंद है तुम्हारा? अब एसीपी सर कब से ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं क्यों? आज के दिन कैसी इमरजेंसी है? अर्जेंट काम है, मर्डर हुआ है। मर्डर हो गया? मौत हो गई है, दो जख्म भी हैं, लेकिन कहीं खून नहीं। लेकिन सर इतने छोटे छोटे दो जख्मों में से ज्यादा खून तो निकलेगा नहीं। सुनिए तारिका, गौर से देखो, ये जख्म छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत गहरे हैं। और तुम तो जानते हो, ब्लेड से या चाकू से छोटा सा कट भी लग जाता है तो पटर पटर करके खून बहता है। जी सर। लेकिन यहाँ तो कहीं भी कोई खून नहीं। जी सर। सर बॉडी पे और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं है। एक बार नोटिस की डॉक्टर साहब, बॉडी पूरी सफेद हो गई है, खून कहीं दिख नहीं रहा। तो भाई साहब मैं क्यों अपना सर पीट रहा हूं? मुझे नहीं पता था कि सारों के साहब यहाँ पे रो रहे हैं। पीटिए पीटिए सर, पीटिए। मिस्टर अभिजीत, ये मौत आप लोगों की नींद उड़ा सकती है। इसकी गर्दन पर ये जो निशान है, इन्हें देख करके लगता है जैसे किसी ने वहां से खून खींच लिया। खून खींच लिया? मतलब किसी सिरिंज से? जी नहीं सर, ये सिरिंज के निशान नहीं, ये निशान दांत के हैं, दांत के। दांत? लेकिन सर खून कहाँ गया? यही तो प्रॉब्लम है। शिखा, शिखा, शिखा। अरे प्लीज, बॉडी को छूना मना है, हमें अपना काम करने दीजिए। आंटी, 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 शिखा को ऐसे कैसे? आंटी, पता नहीं बेटा क्या हुआ। मैं तो रात में ध्रुव और शिखा को घर पे ठीक ठाक छोड़ के गई थी, दोनों को तो डिनर पे भी जाना था, लौट के आई तो सीरियसली इट वाज गुड। मैम ये ध्रुव कौन? शिखा का मंगेतर है, दोनों की शादी होने वाली थी, बहुत प्यार करता है शिखा से, वो तो सपने में भी इसका बुरा नहीं सोच सकता। फिर भी वो है कहाँ? पता नहीं। पता नहीं? सर, डेथ कैसे हुई कुछ पता चला? शरीर पे सिर्फ दो ही निशान है यहाँ गर्दन के पास, तो ऐसा लगता है कि सर ये निशान तो ऐसे लग रहे जैसे कि वैम्पायर जैसे खून चूसता है ना तब बनते हैं। ये क्या मजाक है? आप कह रही थी कि आखिरी बार ध्रुव यहाँ साथ में ही था? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव ने ही ये सब? नहीं नहीं, ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता। याद करो किरण, रात में ध्रुव जब आया था उसने डार्क ग्लासेस पहन रखे थे। तो इसका मतलब ध्रुव वैम्पायर बन गया? रात को काला चश्मा पहनने का क्या मतलब है? मतलब लोचा है। क्या क्या लोचा है सर?
सर ये वैम्पायर चमगादड़ की तरह रोशनी या तेज लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते सर, इसलिए ये लोग डार्क ग्लासेस पहनते हैं। सर मैंने ऐसा पढ़ा है सर, पढ़ा था सर। तुम कहना चाहते हो कि ध्रुव एक वैम्पायर है, उसने शिखा का खून चूस के उसको मार दिया? सर मे आई से समथिंग? जी सर, मैं भी नहीं मानती थी कि वैम्पायर जैसी कोई चीज होती है, पर मुझे अभी विश्वास है वैम्पायर होते हैं सर। और आपके इस विश्वास की वजह? तो वजह है सर, ये देखिए सर। ये निशान तो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे शिखा की लाश पे। Are you sure? हाँ अभिजीत, तारिका को ऑब्जर्वेशन सही है। लेकिन ये निशान आए कैसे यहाँ पे? सर वो मैं और शिखा ध्रुव के घर गए थे। ध्रुव रहता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है बैट्स? सर वहीं पे लटके हुए थे सर, वो भी उल्टे यहाँ पे, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। रस्सी के तो निशान नहीं है, एक अजीब से मार्क्स बने हुए यहाँ पे। इसने तो भीम को बुरी तरह जकड़ रखा है। जानवरों को नाखून? सर मैं कह रही थी ना, वो यहीं पर लटके हुए थे सर। कहीं ध्रुव वैम्पायर? नाखून तो जानवर का ही है, जो दो लोग लटके हुए थे उनका स्केच बनवाओ। सर तो ध्रुव का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि कल रात उसका फोन एक्टिव था, उसी वक्त जब वो शिखा के घर में था। मतलब ध्रुव उसके बाद में गायब हो गया, और अमित उसका रूम पार्टनर, उसके बारे में क्या पता चला? सर उसका मोबाइल ट्रेस किया है, उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश बता रही है सर। पिछले 3 दिनों से वो मध्य प्रदेश में है, मैंने उसे फोन करके यहाँ बुला लिया सर। मध्य प्रदेश? सर दोनों आदमियों का स्केच तैयार हो गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा तो ये है वो दो चमगादड़, पता लगाओ कहां पर लटके हुए हैं ये, पता लगाओ। हाँ सारों के बोल। विश्वास नहीं हो रहा।
अबे सांगे कुछ बताएगा भी या नहीं? बॉस, शिका का खून किसने चूसा ये पता लग गया है। किसने? ये रिपोर्ट पढ़ लो। क्या? शिका का खून किसी चमगादड़ ने पिया है? क्या सांगे ये? बॉस दो बार टेस्ट किया है, दो बार बाहर से भी टेस्ट करवाया है। ये रिपोर्ट बाहर की लैब की है। सर, जहां से खून चूसा गया है वहां से हमें एक चीज मिली थी। उस चीज का जब हमने डीएनए करवाया तो पता चला कि वो चीज किसी बैट की है। क्या चीज थी वो? खून चूसने के जख्मों पर हमें चमगादड़ का थूक मिला है। एक बात और। अब और क्या है? बॉस, ये जो नाखून अभिजीत को मिला है ये नाखून भी चमगादड़ का ही है। क्या? ये नाखून चमगादड़ का है? सर, राजू और ललित नाम है उनका। वो लोग मलाड़ के एनआर चाल में रहते हैं। तुम दोनों के गले में क्या चोट आ गई? लगने के चांसेस है सर। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या मतलब? मतलब सर, अगर बैट्स हम पर अटैक करेंगे तो स्टील प्लेट से उनके दांत टूट जाएंगे लेकिन हमारी गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। ये हमारे लिए सालुंके सर ने बनाया है। ये अब कुछ काम करो। उस राजीव और ललित उठाओ दोनों को। इन गांव वालों को पुलिस वालों की शक्ल पसंद नहीं है और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। डरो मत, फूल प्रूफ है। हम लोग उनके घर जाएंगे, उनके बचपन का दोस्त बनके। अरे भाई साहब, ये लोग कौन है? राजीव और ललित के बचपन के दोस्त है। इन्हें मार क्यों रहे? गांव वालों का पैसा लेके भाग रहे थे। सर, ध्रुव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर वो पिछले कई दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है सर। क्यों? पता नहीं सर, मैंने उससे पूछने की बहुत बार कोशिश की मगर वो बताता ही नहीं है सर। वो दिन में कहीं नहीं निकलता है, हमेशा रात में ही निकलता है। बहुत सीक्रेटिव हो गया सर वो। एक बार मैं जब उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि अरे ध्रुव, अमित तू यहाँ क्या कर रहा है यार? ये सब क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए बस ब्लड सैंपल्स। अरे यार वो सब ठीक है, बट इतनी सारी बॉटल्स यहाँ पे, इसको हॉस्पिटल पहुँचा यार। अमित मेरे ध्रुव, मेरे ध्रुव, ध्रुव के कमरे में खून की बॉटल। केस तो और क्यों लचता जा रहा है? पर सचिन, तुम तो जानते हो कि वैम्पायर जैसे कोई होता ही नहीं है। सर तो फिर और क्या हो सकता है? ये क्या हुआ तुम लोगों? राजीव और ललित भी गायब है। अगर ध्रुव, राजीव, ललित
इन तीनों का आपस में कोई संबंध है तो फिर वो जरूर पहले कभी न कभी मिले होंगे, मिलते होंगे। बस तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, पता चल जाएगा। ध्रुव, ललित और राजीव का फोन एक महीने पहले यहीं ट्रेस हुआ। अभिजीत, अगर ध्रुव, राजीव और रवि एक महीने पहले यहाँ पर आए तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। अभिजीत, सब लोग चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो अच्छी तरह से, देखो जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। अरे 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 साहब, आप लोग अंदर कैसे आए? ऐसे कैसे, बिना इजाजत कैसे अंदर आ गए साहब? हम लोग सीआईडी से, समझे? अरे साहब, ये गोदाम तो मुद्दतों से बंद है साहब, यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है साहब। अब मुंह बंद रखो और उस कोने में जाकर खड़े हो जाओ, चुपचाप चल जाओ। यहाँ पे ये सीढ़ी छुपा के रखी हुई है। सीढ़ी? और वो भी ऐसी जगह में? काफी खराब हुई है, तो स्क्रैचेस भी देखो। सीढ़ी आई कैसे यहाँ पर? सर, ये तो ध्रुव है। माय गॉड, ध्रुव है? गोडाउन तो खाली है ना? चल निकल, ऊपर जाके उतारो लाश। सर, क्यों? तुम कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं आता, तो फिर ये लाश कैसे? साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। सच सच बता दे, ये लाश कहाँ से, किसने ये गोडाउन किराए पे लिया था? नहीं तो तुझे यहीं ऊपर टांग दूंगा, समझा? ध्रुव के दांत असली हैं, ये देखो, नुकीले और मजबूत, परमानेंट। मैंने बहुत हिलाने की कोशिश की लेकिन मजबूत है, जमे हुए हैं, हिलते नहीं। यार ये कैसे हो सकता है सालों के? नहीं यार, ये दांत असली नहीं हो सकते सालों के। यू आर राइट बॉस, मैं भी यही सोच रहा। तो फिर इसीलिए मैंने ये सोचा है कि इसके दांतों का एक एक्सरे निकाल के देखता हूँ, चेक करता हूँ अच्छी तरह से, ये दांत इसके असली हैं या किसी डॉक्टर ने इम्प्लांट किए हैं, लगाए हैं। अच्छा, ये मरा कैसे? वैसे ही जैसे शिखा मरी, किसी ने खून चूस लिया इसका। तू फिर वही बात कर रहा है यार, कैसे हो सकता है ये? किसी ने खून चूस लिया? तूने सीढ़ी देखी? सर, ये तो राजीव और ललित है। Batman, vampire, huh? Lights on, Master जी, वो बात बन नहीं रही है कुछ, उनके मूवमेंट थोड़े से और नेचुरल चाहिए मुझे।
दो मिनट देना सर, अभी करवा। हाँ प्लीज। ए नीचे ले, पिंटू नीचे ले। अरे कौन है आप लोग? असिस्टेंट, कितनी बार कहा है कि मेरे सेट पर आउटसाइडर नहीं चाहिए। बुला सिक्योरिटी को, निकालो इनको। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी मेरे सेट पर खूनी की तलाश में। कौन खून है? वो यही है सबके सामने, आपके ये चमगादड़। आप लोग गलत गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। ध्रुव और शिखा नाम के दो लोगों का खून किया है तुमने? ये झूठ है सर, हम दोनों ने किसी का खून नहीं किया सर। क्या? ध्रुव का मर्डर? कैसे? यही लोग बताएंगे कैसे उन दोनों के गले में दांतों के निशान आए, कैसे उनकी बॉडी में से सारा खून निकाल लिया गया वैम्पायर की तरह। तुम दोनों ध्रुव के घर में थे, ध्रुव के कमरे में उल्टा लटके हुए थे, तुम्हें आंचल और शिखा ने ऐसी हालत में देख लिया। देखा था या नहीं? हाँ, हम दोनों को देखा, पर हमने खून नहीं किया सर। किया है, ध्रुव ने शिखा का खून किया और तुम दोनों ने ध्रुव को मार डाला। नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम दोनों वहां सीक्रेटली रोल की प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। अगर तुम बेकसूर हो तो फिर वहां से भागे क्यों? वो इसलिए कि हमें हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि इस रोल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमने उसे सीक्रेट ही रखा। अच्छा, तो अभी ने भी लपेट रहे हो है? नहीं सर, ये सही कह रहा है। दरअसल ये फिल्म मेरे लिए एक फिल्म नहीं है, मेरा एक सपना है सर। मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी, इसके स्पेशल इफेक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स, यहां तक कि कहानी, इनमें से अगर कोई भी बाहर लीक हो जाती तो मेरी फिल्म देखने कौन आएगा सर? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। बस यही एक वजह थी कि मैंने इनको अपना रोल सीक्रेट रखने को कहा था सर। क्या करें सर, अगर खूनी ये दोनों नहीं है तो फिर खूनी कौन है? खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ के ही जाता है। कौन सा सबूत सर? बैट का डीएनए जो डॉक्टर साड़ुके को शिखा और ध्रुव की बॉडी में से मिला था। लेकिन सर बैट्स का डीएनए कहां से मिल सकता है? सर मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि जो बैट से बातें करता है और वो उसी के साथ गुफा में रहता है। ऐसे केव्स में चमगादड़ होते हैं? होते ना, होते ना, पुरानी गुफाओं में चमगादड़ होते हैं, इस गुफा में भी होंगे। अरे चमगादड़ सर, चमगादड़ बैट्स, वैम्पायर। अबे तू मुझे बता रहा है कि डरा रहा है? हेलो, अरे कोई है? बाहर निकलो। शहर में खून हुआ है और उसकी तहकीकात के लिए हम लोग यहां पे आए। लग सूरे जाग जाएंगे, मर्डर शहर में हुआ है, इंक्वायरी वहीं जाकर करो, इधर नहीं। देखो जिस आदमी का खून हुआ है उसके खून से हमें बैट का डीएनए मिला है। मुझे क्यों बताता है, मुझे क्या लेना देना? क्योंकि इस इलाके में तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो बैट को पकड़ सकता है और उसका डीएनए निकाल सकता है। अरे मेरे जैसे बहुत है इस दुनिया में। सर 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 मेरे को सर 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 तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो निकलो। पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं
पागल आया था भागे, मगर कुछ छोड़ के है। प्रवीण कुमार, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैजिक मीडिया वर्क। बोल, तू ही गया था ना वहां पे? हाँ साहब, मैं ही गया था वहां चमगादड़ का खून लेने। पर साहब, चमगादड़ ने मेरे मुंह पर ये नोच नोच के निशान बना दिए। मारा क्यों उन लोगों को? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो सिर्फ चमगादड़ का खून लेने गया था और वो उनका लाकर दे दिया था। किसने कहा था लाने के लिए? हमारे बॉस ने कहा था। बॉस ने कहा था? चल अब जरा अपने बॉस के पास लेकर चल। हैं, थोड़ा मुस्कुराना यार। हाँ ठीक, चल चल चल। वो रही मैं भी बुला के लाता हूँ। मैम, आपसे मिलने के लिए सीआईडी वाला है। तुम रुक जाओ। रुक जाओ। पूरी श्रेया पकड़ो उसे, छोड़ो मत। अमित, ये कैसे रहा है? चीज एक ना एक दिन जमीन पे आ जाती है। जा। ध्रुव और शिखा को क्यों मारा बताओ? मेरी और आंचल की एक प्रोडक्शन कंपनी है,
मुझे पता चला कि ग्रुप को एक फिल्म में बहुत मेजर रोल मिला है और उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी वही है। उसकी फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली थी और उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती ही होती। उसने उस फिल्म के सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे प्लान मुझसे छुपा के रखे थे। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर। रूप की और मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट सेम ही था। उसकी फिल्म मेरी फिल्म से एक महीना पहले रिलीज होने वाली थी और अगर उसकी फिल्म मेरी फिल्म से एक महीना पहले रिलीज हो जाती तो मुझे 200 करोड़ का नुकसान हो जाता। इसलिए हमें उसकी फिल्म के सारे प्लान फेल करने पड़े। इसका हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें ध्रुव और शिखा को मारना पड़ा। शिखा रिलैक्स, मेरे पास नहीं शिखा, ये कुछ भी नहीं, ये मेरी मूवी का गेटअप है, ये कुछ भी नहीं है। शिखा 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 उठो शिखा, ये तो मेरा गेटअप है यार। पुलिस मर्डर की छानबीन करती और फिल्म कंपनी का बॉक्स ऑफिस पर धमाके करने का प्लान फेल हो जाता और मैं नुकसान से भी बच जाता। इसलिए तुमने अपना मोबाइल फोन मध्य प्रदेश में रखा अपने दोस्त के पास ताकि हम गुमराह हो जाए हैं? और यहाँ आकर के ध्रुव और शिखा का खून कर दिया। लालच में अंधे इंसान को दोस्ती और रिश्ते दिखाई नहीं देते। शरीर में से खून कैसे निकाला तुम लोगों ने? हमने खून चूसने वाली एक मशीन बनाई थी। उन दोनों को बेहोश करने के बाद हमने उस मशीन से उन दोनों का खून चूस लिया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने दो दो मासूम लोगों का खून किया। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.